हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड फर्स्टली न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड व्हिच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीड बाय द बॉडी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को जो भी मटेरियल की जरूरत होती है सब प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स को हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फूड ग्रुप्स में फर्स्टली नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स रफेज एंड वाटर नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट्स वट आर कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी मींस एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हमें एनर्जी देते हैं और दो टाइप्स के होते हैं शुगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्चिज कार्बोहाइड्रेट्स इसके एग्जाम्पल हनी ब्रेड मिल्क एटसेट्रा देन फैट्स फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स फैट भी हमें एनर्जी देते हैं बट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सोर्सेज होते किस किस में है बटर में घी में मीट में ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा में हमें फैट मिलता है देन प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड मीन्स हमारी बॉडी को बनाते हैं स्ट्रांग बनाते हैं बॉडी बिल्ड करते हैं हमारी नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज और हमें बीमारियों से बचाते हैं प्रोटीन हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं एक प्लांट सोर्सेज से और दूसरा एनिमल सोर्सेज से जो प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं वो होते हैं पीस एंड ग्राम एटसेक एक्ट्रा और जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं दैट इज मिल्क एग्स चीज एटसेट्रा यू हैव टू रीड इट केयरफुली